ईरान जाने के ख्वाहिशमंद हिंदुस्तानियों के लिए खुशखबरी। 4 फरवरी से नाफिज होने वाली नई पॉलिसी के तहत हिंदुस्तानी सयाहों को ईरान जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। सिफारतखाने ने एक बयान में कहा कि जनरल पासपोर्ट रखने वाले अफराद को हर 6 माह में एक मरतबा बगैर वीज़ा के ईरान में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन ठहरने की सहूलत होगी। क़याम की मुद्दत नहीं बढ़ाई जा सकती। बग़ैर वीज़ा ईरान में कदम रखने की इजाज़त सिर्फ सयाही के मकासद को पेश नज़र रखते हुए ईरान में दाखिल होने वाले सयाहों को दी जाएगी। कारोबारी या तालमी मकासद के लिए ईरान जाने वाले हिंदुस्तानियों को मुतालिका ज़ुमरे के तहत वीज़ा के लिए दरख्वास्त देनी होगी। ईरानी सफारतखाने का कहना है कि जो लोग 6 महीने की मुद्दत के अंदर एक से ज़्यादा बार ईरान जाना चाहते हैं उन्हें वीज़ा हासिल करना होगा। बयान में यह भी कहा गया है कि बग़ैर वीज़ा दाखिला सिर्फ उन हिंदुस्तानी सयाहों पर नाफिज होगा जो हवाई रास्ते से यानी बजरिए तैयारा ईरान पहुँचेंगे। तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या किसी पड़ोसी मुल्क से बरी या बहरी रास्ते से ईरान पहुंचने वालों को बग़ैर वीज़े के दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए फ़्लैश नो न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।